कहने लगे समह प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैवान् अभिधीत विषमो यथा। जब यहाँ पर बताया कि इंद्र के लिए राक्षसों को मारा तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, भगवान तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, सम हैं और सबके हितैषी हैं, तो ये बताओ इंद्र के लिए फिर दैत्यों को क्यों मारा, इसके पीछे का क्या कारण है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि शास्त्र पृष्ठम महाराज हरेश्चरिताद्भुतम, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, यदि भागवत महात्म्यम भगवत भीर भक्तिवर्धनम, कहने लगे कि सुनो आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत सुंदर पूछा है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है, लेकिन जो तुमने एक बात कही कि भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं, क्या कारण है, तो सुनो भगवान की व्यक्तिगत किसी से भी कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान किसी का अहित चाहते ही नहीं है। भगवान की सिर्फ उससे बुराई है जो भगवान से बुराई करता, और अगर जो भगवान से बुराई करने वाले होते तो राक्षस वंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद पर इतनी दया कैसे करते। आपने बिल्कुल गलत कहा, ऐसा नहीं है। तो कह कि ऐसा कैसे, तब यहाँ पर इन्होंने प्रहलाद चरित्र को श्रवण कराया है। प्रहलाद चरित्र को श्रवण कराते हुए बताया कि इन्होंने वरदान मांग लिए थे कि मैं ऊपर ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना कैसे मरूँ, ना कैसे मरूँ। यहाँ पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही गई हैं, एक एक चरित्र को श्रवण कराने के लिए चार चार घंटे की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर एक बात कही गई कि कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरी मनः आवेश तदघम हित्वा बृहत सदगतिम गता। कहने लगे कि सुनो, काम से भगवान को भजो, द्वेष से भगवान को भजो, प्रेम से भगवान को भजो, भक्ति से भगवान को भजो, ये सब का सब तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट करने वाला है, क्योंकि गोप्यः कामात, गोपियों ने काम भाव से ईश्वर को याद किया, और भयात कंसो, कंस ने भी भजन किया लेकिन डर के कारण, द्वेषात चैद्यादयो नृपः, द्वेष के कारण शिशुपाल आदि इन्होंने स्मरण किया, संबंधात वृष्णयः, संबंध से वृष्णी वंश के जितने भी थे उन्होंने याद किया, स्नेहात योयम भक्त्या वयम विभो, और स्नेह माने प्रेम से, जैसे आप लोग परीक्षित जी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ प्रेम से स्नेह से उनका भजन किया गया, और भक्ति से हम जैसे हैं तो फिर भी ये कल्याण ही करते हैं, क्योंकि अगर जो ऐसा ना करते तो प्रहलाद कभी भी उनका कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि यदि राक्षस की बात होती तो प्रहलाद का कैसे कल्याण होता, क्योंकि भगवान इस विषय को थोड़ा विस्तार से श्रवण कराओ। तब उन्होंने बताया कि पहले तो जब मर गए हिरण्याक्ष तो उनके लिए घर वालों को समझाया, समझाने के बाद फिर तपस्या करने गए, और तपस्या करने के बाद यहाँ ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और कहा, कहने लगे भूतेभ्यः तद्विशिष्टेभ्यः, जो भी आपने प्राणी को बनाया उससे मैं ना मरूं, मृत्युर्मा भून मम प्रभु, हमारी मृत्यु ना हो, ना अंतरन बहिर्दिवा नक्तम, ना अंदर न बाहर, न दिन न रात, और किसी भी शस्त्र से ना मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, और ना
मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना तो सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना देवता से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना सांप से मरूं, और ना ही और कोई भी जीव से ना मरूं, ऐसा वरदान दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मरोगे। अब उसने सोचा कि अब मुझे कौन मारने वाला है, क्यों, वरदान तो मैंने मांग ही लिया। और जब इस प्रकार से जब कहा, तब अब वो निर्द्वंद जो इच्छा होती वो करता है, जो इच्छा हो वो करे, आतंक मचा दिया। एक दिन की बात, उनका एक छोटा सा पुत्र प्रह्लाद था, तो उसको उन्होंने भेजा कहाँ, विद्यालय। विद्यालय में भेजा तो कह कि लाला ये बताओ तुमको सबसे अच्छा क्या लगा पढ़ करके। उन्होंने कहा हमें सबसे बढ़िया लगा, प्रह्लाद जी कह रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा, कहाँ गया, अरे बड़ी समस्या। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ पर प्रह्लाद जी से पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, तो कहने लगे कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि तत् साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम। मैं सबसे अच्छा ये मानता हूँ, हे असुरवर्य, पिताजी नहीं कहा, पिताजी को ना, हे असुरवर्य, हे राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ राक्षस, सदा समुद्विघ्न धियाम असदग्रहात, जो तमाम चीजें इकट्ठे कर लेता है उसी में उलझा रहता है, ऐसे में हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो हो यद हरिमात्रयेत। उन्होंने कहा यदि जीवन में कल्याण चाहिए है तो कुछ मत करो, केवल वन में चले जाओ। यदि हरिम आश्रय, भगवान का आश्रय लेना हो तो, और कहाँ से चले जाए, कहीं गृहम, कहीं घर से, कहीं है कैसा, कहीं अंधकूप, अंधा कुआ, अच्छा अंधा कुआ व आँखों वाला कुआ ऐसा भी होता है क्या, कैसे होता बताओ, अंधा कुआ कौन होता, आँख वाला कौन होता बताओ, है कुआ की बात कर रहा हूँ, कुआ नहीं जानते हो, नहीं, एक खेतों में कुआ होता है, कैसा होता है, खेत में कुआ है, आसपास घास खड़ी है, पता नहीं लगता ये कुआ है क्या, जब पास में जाते हो अरे भगवान इतना गहरा कुआ, और उसमें अंधा व्यक्ति वहां से निकलेगा तो जम से गिरेगा कि नहीं, वो अंधा कुआ होता है। और एक एक कुआ वो होता है जो कुआ है वो आसपास से जगत है, उसमें चबूतरा बना है, अगर जो वहां पर कोई अंधा जाएगा तो कुएं में गिर पाएगा, नहीं गिरेगा, वो जो होता है जहां पर गिर जाएगा धोखे से पता ही ना लगे कुआ है, तो उसे अंधा कुआ कहते हैं। और जहां पर दूर से दिखाई पड़ जाए लकड़ी बंधी है उसमें लगी है चरखी और पानी निकालने के लिए रस्सी भी रखी है तो वो पता लग जाता है, तो वो है आंख वाला कुआ, वो अंधा कुआ जहां पता ही ना लगे। तो इसी प्रकार का घर है, तुम जान नहीं पाते हो कब हम टपक गए नीचे, लेकिन रहते उसी में है कि नहीं है। माताजी किस दिन से आप बूढ़ी होने लगी थी, तारीख आरी कुछ याद है, नहीं किसी को नहीं, बच्चे से जवानी में कब प्रवेश किया किसी को याद है तारीख, नहीं। और अंत में जवानी से राधे राधे होने की स्थिति में कब आ गया, कोई पता लगता है, पता लगे कि हे भगवान शाम को बहुत अच्छी तरह रोटी खाई थी, सवेरे देखा तो राधे राधे मिले, लेके चलाओ, मिले कि नहीं, ऐसा भी होता है, पता ही नहीं लगे कब निकल लें। लेकिन कर्म अच्छे करे तो दूसरे मार्ग से जाएंगे, कर्म बुरे करे तो दूसरे मार्ग से जाएंगे। तो ऐसे अंधे कुएं को त्याग दो। अच्छा दो बातें यहां मिलती है, कौन सी, एक तो बात मिलती है प्रिय व्रत की,
उनसे कहा कि तुम घर में ही रह के भजन करो, इनसे कहा कि तुम घर से बाहर जाओ, इसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि वे भगवान में रंगे हुए थे, तो चाहे घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, माता है जैसे, तो उसका बेटा यदि नौकरी करने कहीं दूर चला गया है, मान लो लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और माता यहाँ बैठी है, तो क्या माता कहीं भी चली जाए अपने बच्चे की याद भूल जाती है? कभी नहीं भूलती है। तो उनका तो मन वैसे ही लगा हुआ था भगवान में, तो उन्होंने कहा तुम यहीं रह करके भी कर सकते हो, और इनको कह रहे कि तुम घर से बाहर जाओ। क्यों? घर से बाहर जाओगे तो राज का नशा दूर होगा, राज का नशा दूर होगा तब कुछ विनम्र होगे, और जब विनम्र होगे तब तुम पर कुछ भजन बनेगा, क्योंकि अभिमान में ही इतने भरे हो तो कहाँ से भजन बनेगा, प्रहलाद जी ने ये कहा। और ये बातें सुनी तो हिरण्यकश्यप थोड़े मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उसे उतार दिया गोद से, गुरुजी को बुलाया कि इसको ठीक ठीक से सिखाओ, कुछ उल्टी सीधी सीख रहा है, इसे ठीक ठीक से सिखाओ। और सोचा क्या कि छोटा सा बच्चा है, कहीं पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, वैसे ही है। इस प्रकार से अब यहाँ गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने कहा कि लाला इधर आओ, क्योंकि ये बताओ ये जो तुमने सुनाया था ये आपको ये किसने से सिखाया था? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमें तो किसी ने नहीं सिखाया था, क्योंकि भगवान में जो मन है ना वो किसी के लगाने से नहीं, वो हमें अपने आप लगता है। अरे उन्हें आ गया गुरुजी को गुस्सा के कि अरे ये तो हमारे लिए बड़ा कलंक है, क्योंकि अरे आनीयताम अरे बेत्रम, डंडा तो ले आओ, अस्माकम अयस्करा, हमारी भी बेइज्जती करेगा ये, कुलांगार से दुर्बुद्धे चतुर्थो स्योदितो दमः, अभी हम इसको हम ठीक कर रहे हैं, कुल को दोष लगाने वाला दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा, और राक्षसों के चंदन बन में ये कांटे का पेड़ उत्पन्न हो गया। कौन? प्रहलाद। कैसे गुरुजी रहे होंगे, जय हो इन ऐसे गुरुओं की। जब इस प्रकार से कहा, डांट फटकार करके फिर पढ़ाई में लगा दिया, लगाने के बाद फिर दो तीन महीने बाद छुट्टी भाई, छुट्टी होने के बाद फिर प्रहलाद जी आए। फिर प्रहलाद जी को अब की बार पिताजी ने पूछने का तरीका बदल दिया, पहले पूछा था लाला तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये बताओ, अब की बार ये पूछा कि गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया। लिखा है कि यद शिक्षत गुरु भवान, जो गुरुजी से तुमने सीखा वो बताना, अपनी मत बताना, क्योंकि हमें पता है कि तुम कहीं और की बात करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी से जो सीखा है तो सुन लो, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, भगवान के कीर्तन को श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास भाव से रहना, मित्र भाव से रहना, अपने आप को समर्पित कर देना, इस प्रकार से भगवान की आराधना की जाती है। मैंने ये सीखा, अब की बार आई गुस्सा, तुरंत उनको फेंक दिया, बुलाओ गुरुजी को, ले गुरुजी धर लिए गए, फिर बुलाए गए और डांट करके कहा ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम त्रयता सता, अरे नीच ब्राह्मण तुम्हें ये क्या हो गया है, तूने भी हमारे विपक्ष का आश्रय ले लिया, क्योंकि भगवान हमने क्या कर दिया कि यथारम ग्राहितो बालो, हमारे बच्चे को उल्टी सीधी चीजें सिखा दी, कि क्या माम अनादृत्य दुर्मते, तूने मेरी आज्ञा का पालन करके, पालन ना करके, मेरा अपमान करके बच्चे को असारम ग्राहितो उल्टी सीधी चीजें सिखा दी। कहने लगे संत यशाद वालों के, हमें पता है कि दुष्टों की कोई कमी नहीं है संसार में, और जो भी दुष्ट होता है समय आने पर तो वो पहचाना ही जाता है। कि कैसे? क्योंकि रोगः पातकिना इव, जैसे पापी व्यक्ति का पाप समाज ना देख पावे, लेकिन जब वही रोग के रूप में बन के आता है तब पता लगता है कि इसने ये अपराध किया था। तेषाम उद्येत्यघम काले रोगः पातकिना इव, उसका पाप समय आने पर निश्चित उजागर हो जाता है। गुरुजी के पुत्र थे, नाम था संड अमरक, किनका? जो पढ़ाते थे टीचर जी का, और ये थे
शुक्राचार्य के बेटा दो, एक का नाम था शंड, एक का नाम था अमरक। ये दोनों खड़े होकर कांपने लग गए। गुरु महाराज क्या कहीं नमत प्रणीतम, मैंने नहीं पढ़ाया है। तो कह कि तुम भंडारा खाने चले गए होंगे, तब कोई पढ़ा गया होगा। कहीं न पर प्रणीतम, दूसरे ने भी ये नहीं पढ़ाया है। तो फिर कह कि इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया। सुतो बदतेश तवे इंद्र शत्रु हो, हे इंद्र के शत्रु जो तुम्हारा पुत्र कह रहा, ये ना तो मैंने सिखाया है ना दूसरे ने सिखाया, फिर कहाँ से आया। क्योंकि आप चाहो तो अपने क्लास के कोई भी क्लास की कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी कॉपी किताब चेक कर लो, ये तो अपने सिलेबस में ही नहीं है जो ये बोल रहा है। हम कहाँ से पढ़ा देंगे भगवान, हमारे सिलेबस तो आपने निर्धारित किए हैं, हम वही सिलेबस पढ़ा रहे, ये तो सिलेबस में ही नहीं तो पढ़ा कहाँ से देंगे। फिर कहाँ से आ गया, कहीं कहीं नई सर्ग की हम मतिर अस्य राजन, इसकी जो मति है नई सर्ग की, समझते हैं जन्मजात पैदाइशी, इसी को कहते हैं नई सर्ग की मति। नई सर्ग की हम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददात्ममानः, ये सिर्फ पैदाइशी बुद्धि है, ये किसी के द्वारा। अच्छा एक बात बता माता, क्या दया करना सिखाया जा सकता है? भगवान से प्रेम करना सिखाया जा सकता है? जिसके अंदर प्रेम ना हो क्या उसके अंदर प्रेम भरा जा सकता है? ये सिर्फ तुम्हारे पुण्य से होता है, और वो तुम्हारे अगले जन्म जो हो चुके हैं पीछे के, उनके पुण्यों के प्रभाव से ये ज्ञान मिलता है। आप दयालु हो, आप कभी भी अगरबत्ती ना लगाओ, भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा करते रहेंगे। आप प्रेम करने वाले हो, भगवान आप पे हमेशा, ध्यान रखो जो प्रेम करेगा ना वो किसी का अहित नहीं करेगा, समझे। प्रेम करने वाले की दुर्गति नहीं होती है, दया करने वाले की दुर्गति नहीं होती है, और भगवान की भक्ति करने वाले की भी दुर्गति नहीं होती है। और ये आश्चर्य की बात ये है, ये पाठ किसी भी विद्यालय के किसी भी सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों माता, तुम्हारे स्कूल में चलता है क्या? दया करना सिखा दिया जा सकता है क्या? कह दिया जा सकता है कि दया करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? नहीं संभव है। ये केवल गॉड गिफ्ट है, बना के तो हम सबको भेज दिया है, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार कुछ कुछ विशेषताएं अलग अलग भेजी हैं, समझे। तो ये चीजें होती है हर कार्य। आप एक बार बताओ, आप वहां झांक रही हो, एक माता देखो गमले के किनारे पीली धोती पहने साड़ी पहने हुए झांक रही, और यहां जगह खाली पड़ी है, और ये गलती किसकी है? केवल माता जी की। और इनकी दो कार्टून कहाँ गई? इनकी पहले इनको जो आती जाए उनको यहाँ बैठाते जाओ, यहाँ जगह कवर कर ले तो उन्हें जगह मिल जाती। अब आगे से सारी जगह घेर ली, बीच में आ नहीं सकते, यहाँ जगह पड़ी है, उनको बैठने को जगह नहीं, और धूप में बैठे, ये चीज़ें हैं। तो पहले ही यहाँ पर व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए। आ जाओ तुम ही, आ जाओ तुम ही, आ जाओ, कोई नहीं बैठो तुम। अब अमिनी को आ जाओ माता, ओ आ जाओ, राम स्वरूप भैया जी के घर से आ जाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी, यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठोगे तो और समस्या। ये जगह पड़ी खाली, ये कितनी जगह पड़ी, ये जगह पड़ी, खूब बैठो, तुम्हारे लिए जगह, आ जाओ सब लोग। और सेठानी जी हाँ पीछे छिपके बैठी थी, यहाँ बैठो, देखो ये जगह पड़ी, वहां पर धूप में सूख रही थी, हे भगवान, सब बैठी धूप में सूख रही थी। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
तो इसके बाद जब बता दिया कि ये हमने नहीं सिखाया, इनने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया है, तब यहाँ पर गुरुजी को कहा चलो यहाँ से जाओ, और तुरंत फिर झपट के हाथ पकड़ लिया प्रहलाद जी का। कहने लगे एक बात बता, ये बताओ, नचेत गुरुमुखी अमते कुतो भद्रा सतीमती, एक बात बता, जब तुझे गुरुजी ने ये ज्ञान नहीं दिया है तो ये अमंगलकारी अभद्रा और असती, अभद्रा माने अमंगलकारी, असती का मतलब ये दुष्ट बुद्धि कुतः, कहाँ से तुझे आ गई। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी एक राजा थे, ले वो कथा सुनाने लगे, वे जले भुने बैठे वे कथा सुना रहे हैं, नारा तो होंगे ही। कहने लगे एक राजा थे, उनकी कन्या थी, सुंदर थी, और सुंदर नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी। अब उन्होंने सोचा इतनी सुंदर कन्या के लिए कम से कम 100 गुणों वाला तो वर होना ही चाहिए। नाई बामन बुलाए गए, जाओ हमारी कन्या के लिए जुगाड़ करके आओ। ढूंढते 98 गुणों तक मीटर पहुंच गया। बहुत प्रयास किया, 99 मिले ही नहीं। और जब 99 गुण नहीं मिले तो कहने लगे कि महाराज जैसे 100 वैसे ही 98 कर दो, कहाँ से ला मैं। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। बुलाए गए लाला, बुलाए गए जिससे ब्याह होना था, क्या कहते कुंवर जी, और राजा थे तो राजपूत होंगे, राजपूतों में क्या कहते हैं, कुंवर कहते, क्या कहते, जो भी कहते हो भगवान जाने। बुलाए गए कुंवर जी, अब आ गए कुंवर जी, कह कि लाला ये बताओ हम सारे गुण तो बाद में पूछ लेंगे, 2 गुण बताओ कौन से रह गए। कह कि भगवान 2 गुण हमारे पास जो नहीं आए वो सुन लो, कि एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की, यही 2 गुण नहीं है, इसलिए एक तो पिताजी तुम स्वयं में तो बुद्धि है नहीं कि ईश्वर के पास चले जाए, और यदि कोई सिखाना चाहे उसके लिए तुम तलवार लेके चल खड़े हो जाते हो, तो मतेरना कृष्णे पर तो स्वतो वा, ना तो तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव है और ना परतः दूसरे के कहने पर तुम्हारे समझ में आती है। मिथो विपद्येत गृह व्रताराम, तुम्हें समझ में नहीं आता। फिर झुंझला गया बहुत बुरी तरह, और झुंझलाने के बाद धक्के दे करके फिर गुरुकुल भेज दिया, और गुरुकुल भेजने के बाद बहुत प्रयास किया गुरुजी ने सिखाने का, लेकिन जब नहीं सीखे तो अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो हमें इस जहरीले फल को नष्ट ही कर देना चाहिए। उन्होंने सारे प्रयास किए, हिम बर्फ में दबाया, वायु आकाश से फेंकवा दिया, अग्नि आग में जलाया, सलिलई जल में डुबाया गया, पर्वताक्रम्यैरपि पर्वत के ऊंचे से फेंक दिया गया। नष्ट शाग यदा हंतुम अपापम असुरम सुतम, और वो निष्पाप पुत्र अपने को जब नहीं मार पाया तो इसके बाद चिंताम दीर्घम आपनोति प्राप्त, बड़ी लंबी चिंता को प्राप्त होने के पश्चात यहाँ पर दोबारा भेज दिया कि ए गुरुजी फिर ट्राई करो, इसको ठीक से विषय समझाओ। लेकिन गुरुजी के सिखाने पर जब नहीं सीखे तो क्या हुआ, एक दिन गुरुजी चले गए कथा बाँचने गुरुजी चले गए तो क्लासमेट जितने भी कक्षा के सहपाठी थे उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, कहने लगे एक बात बताओ, जो गुरु हमारे वही गुरु तुम्हारे, जो सिलेबस हमारा वही सिलेबस तुम्हारा, लेकिन हमारे पढ़ने में तुम्हारे पढ़ने में ये अंतर क्यों है, आप बड़े उच्च कोटि की बात करते हो और हम वही सीख पाते जो ये सिखा रहे हैं, आपका असली कारण मुझे बता दीजिए, आपको ज्ञान कहाँ से मिला। क्योंकि लाला तुम एक गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि क्या, क्योंकि जो गुरु तुम्हारे वे हमारे नहीं हैं, कहीं हमारे गुरु हैं नारद जी,
क्या हुआ कि एक बार जब हमारे पिताजी चले गए थे तपस्या करने, तो तपस्या करने जब जा रहे थे तो इंद्र आए, हमारी माता को उधर ले गए, पकड़ ले गए, कहने लगे जा रहे हैं इसको लेके, कह क्यों, कही ये गर्भवती है, कही गर्भवती है तो, कह कि गर्भवती है, एक इसका बाप जो जो बच्चा जन्म लेगा इसका बाप तो नाक में दम करे, ये भी तैयार हो गया तो और फिर और आफत बन जाएगी। नारद जी ने कहा ऐसा है, इनके जो पिताजी हैं वे राक्षस हैं, लेकिन जो इनके गर्भ में पल रहा है वो परमात्मा का अनन्य भक्त है, इसको आप कुछ नहीं करोगे। अच्छा, क्योंकि हाँ तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ना छोड़ने तुम मत जाओ, हम इनको अपने घर ले जाते। नारद जी अपने पास ले आए, वहाँ पर उनको भक्ति सूत्र का उपदेश दिया और कह रहे हैं कि जो भक्ति सूत्र का उपदेश नारद जी ने दिया उसको मैं श्रवण कर रहा था, और श्रवण करते हुए परिणाम ये निकला, वो सारा का सारा ज्ञान मुझे आज भी है। हमारे तो असली गुरु नारद जी है, ये नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा जीवन में यदि कल्याण करना है तो ध्यान रखो, कुछ भी कर लो कुछ हमेशा तुम डूबे होगे। तस्मात सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम्। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे, अरे राक्षसों, इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो दया भूतेषु, तस्मात सर्वेषु भूतेषु, इसलिए सभी प्राणियों से दयाम कुरुत सौहृदम्, दया करो और सौहार्द रखो। आतुरम भावम उच्चेद दोक्षज, राक्षसी स्वभाव को छोड़ दो और सब पे दया करने लग जाओ तो परिणाम क्या निकलेगा, तुष्चेत अधोक्षज, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। माता याद आ रही कुछ, गीता 16वां अध्याय दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपय सुनम दया भूतेश्वरो लुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, आया है गीता के 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक होना चाहिए। कहने लगे कि माताजी एक तुम्हें बात बताएं, तुम रोज होमवर्क तुम्हारे वे देते होंगे बच्चों को, देते कि नहीं, आज हम तुम्हें दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अगर जो तुम्हें शीशा देखना, वैसे तो रोज शीशा देखती होंगी, आज दूसरा वाला शीशा हम तुम्हें दिखाएं, हमें नहीं देखना तुम्हें को देखना है, दूसरा वाला शीशा ये देखना है, सुंदर कितने हो तो दिखाई पड़ ही रहा, हम भी जान रहे तुम भी जान रहे हो, लेकिन अंदर कितने सुंदर वो तुम देख लेना। गीता का 16वां अध्याय पढ़ना, उसमें दो बातें मात्र कही गई, तीसरे किसी का कोई विषय ही नहीं रखा गया कि तुम राक्षस हो या देवता, केवल इस बात को कहा गया। और उस राक्षस देवता की लिस्ट में सबसे पहले दैव संपत्ति से माने देवताओं के गुणों से जो युक्त होकर के जीव आता है, तो सबसे पहले श्लोक से ही वहीं से प्रारंभ हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग अव्यवस्थिति, वह व्यक्ति निर्भय होता है। क्यों निर्भय होता है, क्योंकि उसकी कृपा का अनुभव करता है कि अरे वो तो हमें, और सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि का उदाहरण इस समय हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कमलेश है। ऐसे व्यक्ति की मन में जो भरा सो उगल दो, बस मन के साफ व्यक्ति को सत्व संशुद्धि कहा गया है। हृदय से इतने साफ रहो कि ऐसा ना हो कि वाणी में तुम प्रेम दिखाओ, पीठ पीछे तुम गर्दन काट लो, ना उनकी आदत है, नाराज है तुम गाली देनी, मुंह पर देनी, पीठ पीछे का कोई हिसाब किताब नहीं, वहां से निकल गए सब भूल गए, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए भगवान से मिलने के लिए जुगाड़ करते रहना चाहिए, और दानम दमस्य यज्ञस्य, दान करते रहना चाहिए, दम माने इंद्रियों का निग्रह, और यज्ञ भी करते रहना चाहिए, और स्वाध्याय घर में गीता हनुमान चालीसा इनको पढ़ते रहना चाहिए, और तप आर्जवम, आर्जव कहते हैं कोमलता को,
वाणी में मिठास, उसको आर्जव कहते हैं, तप आर्जवम। इसके बाद का अहिंसा सत्यम अक्रोधो, किसी की हिंसा मत करो, सत्य बोलो, अक्रोध है किसी से क्रोध मत करो। त्याग शांति अपय सुनम, त्याग शांति, अपय सुनम का मतलब कंजूसी रहित, उदार मन। दया भूतेश्चलो लुप्तम, प्राणियों पर दया करो, अलोलुप्तम माने लालचीपन को त्याग करके। मार्दवम ह्रीर चापलम, मृदु बोलो, ह्री माने लज्जावान रहो, और अचापलम चंचलता रहित रहो। ये है, और भी अब ज़्यादा व्याख्यान इसी का करने लग गए तो ये बहुत बड़ा विषय है, समझ गए? तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, गीता पढ़ो, फिर देखो कि तुम देवता हो या राक्षस, और कल बताओगे कि नहीं? हाँ बताएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आसुरम भावम उत्सृज्य, राक्षसी स्वभाव को छोड़ो, कौन सा स्वभाव रखो? दैवीय स्वभाव रखो, दैवीय स्वभाव में आता है दया भूतेश्वरो लुप्तम, वही यहाँ पर कहा, तस्मात सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, इसलिए सभी प्राणियों से तुम दया करो, क्योंकि दया करना दैवीय गुणों का कारण है, और जिसके अंदर दया होती है वो दैवीय गुणों से युक्त होता है व्यक्ति। 16 और 17 अध्याय बड़े सुंदर, तमोगुणी हो या सतोगुणी, भोजन तमोगुणी है या सतोगुणी, गीता के 17वां अध्याय में पढ़ लो, भोजन भी बताया गया, ज्यादा मिर्च खाती हो रजोगुणी है, और है कैसा? शोक आमय प्रदा, शोक देगा, आमय माने रोग देगा, ज्यादा मिर्च वाला, ज्यादा गरम गरम खाओगे नुकसान करेगा, कच्चा खाओगे तमोगुणी भोजन है वो तो बिल्कुल ले डूबेगा, बाद में कभी आएगा विषय तो बताएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से बालकों को समझाया गया, और समझाने के पश्चात यहाँ पर कहने लगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष बातें नहीं है कि नालम द्विजत्वम देवत्वम, ब्राह्मण बन जाओ तो भगवान मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। ऋषित्वम वा सुरात्मजा, तुम ऋषि बन जाओ तो भी भगवान तुम्हें मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। प्रीरनायम कुंदस्य न वृत्तिम न बहुज्ञता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ना ही वृत्तम, बहुत ज़्यादा तुमने यदि ज्ञान भी उत्पन्न कर लिया तो उससे मुक्त हो जाओ, कोई फायदा नहीं। मुक्त आप तब होंगे जब भगवान में समर्पित हो जाएंगे। न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च, प्रियते मलया भक्त्या हरिर अन्यत् विडम्बनम्, और दान कर लो, तपस्या कर लो, इज्ञा माने यज्ञ कर लो, पवित्रता कर लो, व्रत कर लो, इससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि अमलया भक्त्या, निर्मल भक्ति से जितने भगवान प्रसन्न हो जाते। एक बात बताओ, बेटी है, ब्याह हो गया, हो गया, दामाद आते होंगे उस दिन, ईमानदारी से बताओ तुम जमीन पर चलती कि 5 फुट ऊंची? 5 फुट ऊंची, कितनी ईमानदार माता है, तुरंत कह दिया 5 फुट ऊंची चलते, चलते कि नहीं? एक बार बताओ, बड़े प्रेम से तुमने दामाद के लिए भोजन बनाया, जमाई के लिए दही अचार पल्ले पापड़ी और जो भी जुगाड़ है सब ला के तुमने रख दिया, अचार वगैरह सब रख दिया, और तुम दाल और रोटी रखना भूल जाओ, दामाद का पेट भरेगा कि भूखा रहेगा? भूखा रहेगा, है ना? और कोई गरीब व्यक्ति है, नहीं इतना जुगाड़ है, और उसने क्या किया, चूल्हे में राम रोट बाबा जी वाले मोटे मोटे और खूब बढ़िया पकाए, और उसी में लगा दिया घी, और केवल बनाई दाल, और वे 2 रोटी रख दी, और भर के कटोरी में दाल दे दी, दामाद का पेट खाली रह गया, भर जाएगा, भरेगा कि नहीं? तो ईमानदारी से बता दें, परमात्मा केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, बाकी तो ये शोभा। अच्छा एक बात बताओ, दाल रोटी रख दी,
पापड़ रख दिया, अचार रख दिया, दही रख दिया, छोटी छोटी कटोरी जिसे पूजा करनी हो करते कि नहीं, सब कुछ रख दिया, तब पेट तो दाल रोटी से भरेगा तो पक्का है, बाकी सारी चीज़ें शोभा बढ़ाने को हैं कि नहीं है, कि हाँ थाली अच्छी लगे, कि हाँ हमारी सासू माता हमें कितने प्यार करती हैं, है कि नहीं। लेकिन ईमानदारी ये है कि पेट तो उसका दाल और रोटी से ही भरेगा, सच है कि नहीं। तो जितने दान व्रत तप इज्ञा माने यज्ञ पवित्रता और ये सब कुछ हैं, ये सब के सब भगवान की भक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन परमात्मा तो प्रसन्न केवल भक्ति से होता है, समझ गए। ये बात कही है प्रहलाद जी ने, और अगर जो तुम्हारे पास दही पापड़ अचार कुछ ना हो, केवल दाल रोटी रख दो, तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा, तो केवल तुम्हारे पास भक्ति हो और दान करना ये सब भूल जाओ तो भी तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं रहेगा, ध्यान रखो ये कहने। बात समझ में आई? हाँ। और इसी प्रकार के ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दानवाह, हे दानवाह, हे राक्षसों के बच्चों, अभी भी तुम्हारे पास समय है, भगवान में भक्ति करना प्रारंभ कर दो। और आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे, और उस परमात्मा में यदि तुम भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। कौन समझा रहा है? प्रहलाद जी। किसे? अपने क्लासमेट को। इस प्रकार से जब समझाया, गुरु जी ने कहा अरे ये तो बड़ी बुरी बीमारी है छुआछूत की। कैसी? अरे अभी तक तो इसी को थी, इसने बीमारी बांटनी प्रारंभ कर दी। अब उनका और पारा बढ़ गया कि अभी खुद बीमार था, सबको बीमार कर रहा है, संक्रामक रोग है इसे तो अब क्या करे, रोग को खत्म करते करते जाने कितने रोगी तैयार कर देगा, इसलिए अब तो हम रोगी ही खत्म करेंगे। कौन सा सूत्र लगाया? एक तो कमलेश भैया चले भी जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने बाड़ी लगाई, ठीक है, और उसमें कोई इतना एक पौधा संक्रमित हो गया कि बिल्कुल पौधा बेकार है, तुम्हें आशंका हो गई कि ये पौधा दूसरे को भी ले डूबेगा, तो तुम क्या करोगे? उस पौधे को उखाड़ करके दूर फेंक के आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो यहां कहने लगे, इन्होंने सोचा कि हे भगवान, ये तो ऐसा संक्रामक रोगी है, संक्रामक रोग है कि ये सबको बीमारी बांटने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, तू मुझसे डरता क्यों नहीं है? क्रुद्धस्य यस्य कंपते लोका त्रयो लोका सहेश्वरा। कहने लगा कि ये बताओ, जिसके क्रोध करने से तीनों लोग सह ईश्वरहा, देवताओं के साथ तीनों लोक कांपने लगते हैं, तत्में भी अभीतवान मूण शासनम किम बलोत्यगा। तो ये बता तो किसके बल के कारण हम मुझसे नहीं डर रहा है और हमारी हर आज्ञा का उल्लंघन करता चला जा, बता। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो पिताजी, दरअसल तुम्हारी समस्या कुछ अलग है। कहेगी क्या? कहेगी हमें पावर हाउस का एड्रेस पता है। कहेगी क्या? हमें ये पता है कि असली पावर हाउस कहाँ है, और तुम पावर हाउस की लाइन से कनेक्ट होकर के भी अनजान हो, और उस पावर हाउस से केवल मैं ही पावर नहीं ले रहा हूँ। कहेगी फिर? कहेगी न केवलम में, केवल मैं नहीं, भवतश्च राजन, आप भी उसी पावर हाउस से ही पावर पाए हो। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, इतने तुम बड़े बलवान हो, ये भी उसी ने तुम्हें शक्ति दी है। और सुनो, हमें तुम्हें अकेले नहीं, क्योंकि परे वरे पर और अवर इस लोक और उस लोक में जो भी स्थिर जंगमा, ये स्थिर माने वृक्ष आदि, जंगम माने चलते फिरते, हम आप वृक्ष भी बलवान होता है कि नहीं, हम तुम जैसे 100-200 चढ़ जाओ उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ता है, तो यही चीज़ है, वो भी बलवान होता है। जितने भी जहाँ भी बल है, ब्रह्मादयो ब्रह्मा आदि को लेकर के ये नवशम प्रणीता, उसने ब्रह्मा आदि सबको अपने वश में ही
कर रखा है। तो ईश्वरा काल उरुक्रम सा ओजा सह सत्व बले इंद्रियात्मा, वही ईश्वर है जो बल इंद्रियों का सबका आत्मा वही है। स एव विश्वम परमः स्वशक्ति भी त्रियत्यवत्यति गुणत्रयेशः, कहने लगे कि वही ईश्वर है जो क्या कहता है स्त्रीजाति रचता है। पहले तुम्हारा जन्म हुआ है ना, उसके पहले निर्माण हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर तुम्हारा पालन हुआ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब एक दिन राधे राधे भी हो गई, सबके साथ जुड़ा कि नहीं। तो स्त्रीजाति माता के पेट में रचा गया और अवति रक्षा की गई। अब अति समाप्त कर देते हैं, कौन कर रहा है, वही ईश्वर है। और वो ईश्वर जब कर रहा है तो उसी ईश्वर के बल से हम बली हैं। रावण कहने लगा ये बताओ मारे निश्चर के ही अपराधा कौशट तो न प्राण कह बाधा, क्यों रे राक्षसों को क्यों मार डाला और ये नहीं कह पाया अंदर के दर्द को। अंदर का दर्द क्या है, अक्षय कुमार राधे राधे कर दिए थे, अंदर के दर्द को नहीं कह पाया कि हमारा प्यारा सा बेटा मार डाला, तूने क्यों मारा। अच्छा बच्चे का नाम ले लेता तो मरे तो और भी थे, तो ये व्यक्तिगत मामला बन जाता, तो वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती कि अच्छा इनका लड़का मारा गया तो बड़ा दुख हो रहा है, हमारा पति मारा गया तो क्या हमारा वैसे ही था, कहते कि नहीं। तो कह रहे कि ये बता हमारे निश्चर के ही अपराधा तुमने किस अपराध में राक्षसों को मारा और क्यों, कौशट तो इन्हें प्राण के बाधा, तुझे प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं है और की दो श्रवण सुने नहीं मोही, तूने क्या मुझे सुना नहीं है, देखो वत संग सठ मोही, तू मेरी तरफ देख भी रहा तो फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सुनो हम तुम्हें खूब अच्छी तरह देख रहे हो, अच्छी तरह जानता भी हूं, लेकिन फिर हमें डर क्यों नहीं लग रहा। तो सुनो जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार में सबको बल दिया उसी ने तुमको दिया है, और जिसने तुम्हें बल दिया मैं उसका सेवक हूं, मैं काहे को डरूं तुमसे। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया थोड़ा भौंय भौंय कर रहा है। सुने ब्रा सुने रामायण ब्रह्मांड निताया पाई पासु बद विरचति माया जा बल जाके बल विरच हरि जाके बल विरच हरीता पालत रजत हरत तत सीता चावल शीत खंड समेत खंड कोच समेत बोलिए गोविंद भगवान की जय। हे रावण तुम हमें क्या डराओगे, क्योंकि जिसके इशारे मात्र से ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, कितने ब्रह्मांड है मालूम है, अनेकों ब्रह्मांड है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है, अपनी है मंदाकिनी, इसमें भी सैकड़ों सूर्य हैं और ऐसे ही ग्रह हैं, तारा मंडल है, ये एक समूह है, इसके बगल में लगी है देवयानी, उसमें भी सैकड़ों सूर्य हैं, ऐसे ही ग्रह हैं, ऐसे करके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस यूनिवर्स में है, और ये बात आज प्रमाणित हो चुकी है। सुना होगा कि नासा ने 4000 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह खोज लिया है जहां पर जीवन मिलने की संभावना है। ऐसे सुनिए खबरें, और कितनी दूर है,
4000 प्रकाश वर्ष किलोमीटर का अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। एक सेकंड के अंदर, जितनी देर में एक सेकंड होता है, इतनी देर में प्रकाश की गति 286000 किलोमीटर चलती है। अब इसी स्पीड से प्रकाश की गति चले, एक मिनट कितने किलोमीटर हो जाएंगे, एक घंटा चले तो कितनी हो जाएगी, और एक साल तक लगातार चलती रहे, वैसे 4000 साल तक जब चलेगा प्रकाश उसी स्पीड से, 286000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, कहाँ पहुँचेगा? तो इससे प्रमाणित तो होता है कि नहीं, हजारों की संख्या में ब्रह्मांड हैं। समझ गए? चंद्रमा से प्रकाश आने में मात्र 1.5 मिनट लगता है, सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट लगते, और जरा सोचो इसी स्पीड से जब 4000 प्रकाश वर्ष दूर चलेंगे, इतने ब्रह्मांडों को केवल एक इशारा पाई जासु बल विरचति माया, जिसका इशारा करके माया बल पा करके इशारे में ही रच देती है, और जाके बल विरंच हरि ईशा, जिनके बल के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पालस्यत हरत दशीता, अरे रावण इस संसार का पालन हरण और जन्म सब कराते हैं, और जिसके थोड़े से बल से शेषनाग पूरे ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए रहते हैं, और थोड़े से बल के कारण सारे देवताओं की रक्षा कर लेते हैं, और तुम जैसे मूर्खों को सिखाने भी आते हैं, और मैं उसी के बल से इतना बोल रहा हूँ जिसने धनुष तोड़ा था। धनुष की याद क्यों दिलाई मालूम है? पके हुए फोड़े में छुओ तो ज़्यादा दर्द करेगा ना, और अच्छे भले पीठ में घूंसा मार दो कोई फर्क नहीं, लेकिन पके फोड़े में यदि मारो तो बड़ा दर्द होता। वो भी गया था ट्राई करने, और जब ट्राई करने गए तो उंगली दब गई, अब बहुत प्रयास किया उंगली नहीं निकली, जैसे तैसे। तो इसलिए बताया कि जिसकी जिसके तुम उसमें उंगली आ गई थी तुम निकाल नहीं पाए थे, उसी ने, वो कितना बलवान होगा कि उसने पकड़ा था इशारे से धनुष तोड़ डाला था। तो ये है मतलब इसका। राजनीति कूटनीति में एक शब्द बोला जाता है, बहुत बड़ा अर्थ होता है, कई हर को दंड कठिन जय भंजा, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया था। अब ये बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि अरे उसी में तो हमारी उंगली आ गई थी। तो ये बात है, खरदूषण जितने थे सब मार डाले। और सुनो एक बात, जाके बल लवलेश थे तुमने जितह चराचर झारे, संपूर्ण चराचर को तुमने जीत लिया है। तासु दूत, मैं उसी का दूत हूँ। किसका? जाकर हरियाने प्रिय नारी, पूरा भगवान का परिचय दिया कि नहीं दिया कि वो भगवान है, लेकिन एक भी जगह बताओ इनमें हनुमान जी ने कहा हो कि मैं पवन पुत्र वीर हनुमान। कहा क्यों? इसीलिए हनुमान सबसे आदरणीय, कर सब आए अपना नाम कहीं नहीं, क्रेडिट वे, एक भी जगह नाम नहीं बताया, जहाँ बताया भगवान को बताया और डराया कि वे भगवान हैं, और वही हैं जिनमें उंगली आ गई थी उनको तोड़ डाला था, वही हैं, अपना नाम कही नहीं। प्रहलाद जी कह रहे कि मैं उसी के बल से ही, मैं अब इतनी बात कही तो इतने में बड़े नाराज हो गए, क्वासो यदि, कहाँ है परमात्मा के दूत? तो सब जगह के, यदि सर्वत्र, यदि सब जगह है तो स्तंभे कस्मान न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी ने कहा चश्मा ठीक करो, नंबर गड़बड़ है तुम्हारा, और जब तक नंबर सही नहीं होगा तब तक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा। और चश्मा अर्जुन का भी भगवान ने बनाया था, बनाया था कि नहीं? दूसरे अध्याय में ही उनका चश्मा बनाया था। कहने लगे कि दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा तब तुम मुझे देख पाओगे।
और दिव्य नेत्र जब प्रदान किए तब भगवान का स्वरूप को देखा। प्रहलाद जी कह रहे तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं है। अच्छा तो हमको विकत माना शरण काया था हरामी ते, इतनी तू बकवास कर रहा, अब मैं तेरे पहले तो खंबे को तोड़ूंगा, फिर तेरे सिर को काटूंगा और गोपायेत हरिपाद्यस्ते शरण मीर्तितम। अगर जो तेरा भगवान शरणागत की रक्षा करने वाला है तो आए और तुझे रक्षा करे। मारा गुस्से में गदा धमाक से, उसमें गदा नहीं घूमता मारा, और धमाक से जैसे ही घूमता मारा खम्बा चर 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 चरानो खम्ब फटो चर चरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। भयंकर उनका रूप निकल पड़ा। और उनका स्वरूप कैसा है, शरीर मनुष्य का सिर सिंह का। अब सुखदेव जी से कहने लगे महाराज ये कैसा स्वरूप था, क्योंकि करे क्या मजबूरी थी कि क्या वरदान ही उसने उल्टे सीधे मांगे थे कि क्यों, और खम्बे से ही क्यों निकले, बाहर से आ जाते कहीं मार्केट से घूमते भाई वहाँ प्रकट हो जाते, क्योंकि प्रकट इसलिए नहीं भाई क्योंकि सत्यम विधा तुम निज भृत्य भातितम, खम्बे में भी भगवान है ये हमारे सेवक ने कह दिया था, तो उसकी बात को हम झूठी कैसे कर दें। व्याप्तिम च भूते चखिले सुचात्मना, मैं प्रत्येक कण कण में व्याप्त हूँ ये तो सच है, लेकिन उसकी बात सच हो जाए कि हाँ सच में मैं कण कण में व्याप्त हूँ। अधिष्ठता मद्भुत रूप मद्भुत मुद्वहन और अद्भुत रूप लेकर के आ गए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम न मनुष्य है न सिंह है, और वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दय दनादन युद्ध होने लगा। एक महीने तक युद्ध चला, और एक महीने तक इतना फुर्तीला राक्षस कि भगवान सोचें कि हम इसकी कब आँख झपके हम पकड़ लें और दबा लें। एक बार की क्या हुआ, जब देखा भगवान ने कि ये तो बिल्कुल नहीं, तो एक तेजी से आवाज करी, उसने आँख झपकी झपट के पकड़ लिया, और जैसे ही झपट के पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को दबा लेती, पकड़ लिया, पकड़ करके तुरंत वहीं द्वार पर बैठ गए। द्वारूरापात्य ददार लीलिया, और द्वार के वहीं पर बैठ करके, आजकल तो मैंने देखा है आजकल देहली नहीं, बच्चों देहली जानते हो, लड़कियों पीछे वाली देहली जानती हो, बोली नहीं रही है इसका मतलब नहीं जानती हैं। अरे आप तो जानते हो, आप तो बूढ़ी हो, इनसे पूछ रहे नए नए बच्चों से, तुम जानती हो नहीं जानते, बताओ। ये जमाना आ गया, पहले घर बनता था, घर के बाद एक दहली बनती थी जो कम से कम डेढ़ फुट ऊंची होती थी, और डेढ़ फुट ऊंची दहली से तब अंदर प्रवेश किया जाता था। ऐसा क्यों होता था, वास्तु शास्त्र कहता है कि मुख्य द्वार सारे दरवाजों से ऊंचा होना चाहिए, समझ गए। और जिसके घर का मुख्य दरवाजा ऊंचा होता है सारे दरवाजों से, तो ध्यान रखो उसके घर में उन्नति बहुत अच्छी होती है। पता लगे मुख्य दरवाजा जो मेन मुख्य गेट है, घर बना ऐसा फिर बना दी डाल वहां लगा दिया गेट, पतन का कारण है। ढाई साल या पंद्रह साल में असर दिखाएगा। मुख्य दरवाजा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजा को राहु कहते हैं, वहां से प्रवेश होता है। अच्छी बुरी सारी ऊर्जाएं सब आती हैं। अच्छी बुरी कैसी, जैसा तुमने वास्तु शास्त्र बना रखा होगा, वास्तु का डिजाइन कर रखा होगा, वैसे ही अच्छी बुरी आएगी, मुख्य द्वार से ही घुसती है। तो आजकल कहाँ मुख्य द्वार हैं, कहाँ दहली है, कहीं कुछ नहीं, सब घास मेट हो गया। आज भी चले जाओ वृंदावन, कोई रंगनाथ मंदिर देखा किसी ने, तुम गई हो, अरे कैसी सेठानी हो, तुम्हें तो चार को लेके जाना चाहिए, चार को पकड़ के ले जाना चाहिए, जैसे इनको चलो पैसा है नहीं है, चलो हम लगाएं किराया, चलो वृंदावन घूमो। वहां पर रंगनाथ मंदिर है, रंगनाथ मंदिर की इतनी ऊंची देहली है, समझ गए, उसको पार करके जाएंगे, इतना मोटा दरवाजा, मोटा
हाँ, तो उसमें ऊंचा जाना होता है, वो होती है असली देहली, समझ गए। तो उसी देहली पे रख लिया, किसको? हिरण्यकशिपु को धर करके लिखा है कि नखैर यथा हिम गरुणो महाविषम, जैसे गरुण महाराज सर्प को फाड़ डालते, फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद और इतनी गुस्सा, अब भगवान आउट ऑफ कंट्रोल, इतनी गुस्सा, क्योंकि महीना भर लड़े थे और पकड़ पाए तो फाड़ भी दिया, अब गुस्सा हो गए। अब इतने गुस्सा हुए कि उन्हें सब मनाने के लिए आए, कोप कालो शंकर भगवान आ गए, धीरे से सरक के आए कि हमारी इनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, शायद का वो मान जाए। कोप काले युगांतस्ते हतो यम असुरोल्पक, और उन्होंने कहा कि कहाँ तुम्हारा प्रलय के समय क्रोध होना चाहिए, अभी क्रोध करोगे प्रलय आ जाएगा। भगवान छोटा सा राक्षस ही तो था, मार दिया। और उन्होंने कहा तो इतने में शंकर भगवान का पकड़ा हाथ पार्वती, अरे तुम यहाँ कहाँ चक्कर में पड़े हो। उन्हें पकड़ ले गई पार्वती जी। भगवान कह रहे कि अभी तक नहीं था, जब छिपे फिर रहे थे। इंद्र आए, उन्होंने अपने हाथ पांव जोड़े खूब किया। ऋषि आए, पितर आए, सिद्ध आए, विद्याधर आए, नाग आए, मनु आए, प्रजापति आए, गंधर्व आए, चारण आए, यक्ष आए, किम पुरुष आए, सब आए। लेकिन एक बात और बता दें, इतने गुस्सा में थे, एक श्लोक से किसी का दूसरा श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने गुस्से में हैं। अब हम तुम्हें बुलाएं माता जी और तुम रिस्पॉन्स ना करो तो कितनी देर हिम्मत पड़ेगी? निकल लेंगे धीरे से कि भैया ये तो नाराज हैं। भगवान की स्तुति की और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो तो तुरंत धीरे से खसक ले, किनारे खड़े हो जाएं खंभे की आड़ में, हाँ वहाँ से निकल लें। अब ब्रह्मा जी ने सोची कि कैसे इनको नियंत्रित किया जाए, तब उन्हें एक जुगाड़ सोची। जुगाड़ क्या? ब्रह्मा जी ने सोचा कि हरेक पत्नियाँ कहती हैं कि हमारे वे हमारी मुट्ठी में है, कहती कि नहीं, अब यहाँ तो नहीं बताएंगे, कहती तो सब ऐसे ही है, हाँ हमारे वे हमारी मुट्ठी में है, तो हो सकता है लक्ष्मी माता भी ऐसे ही करती हों। तो लक्ष्मी माता को बढ़िया श्रृंगार करके सजा धजा के ले गई ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के ने कहा ये हैं इनको, तो यहाँ साक्षात श्री प्रेषिता देवई है, देवई दृष्टा तन्महद्भुतम्, लक्ष्मी जी को साक्षात भेज दिया और वे गुर्रा पड़े, तो लक्ष्मी जी का एक सैंडल इधर दूसरा सैंडल उधर, आरती की थाली कहीं वे सर से भाग करके और कहने लगे नहीं 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 हमारे ये है ही नहीं। अधिष्ठा सुत पूर्वत्वात सानोपे यात संकिता, ये हमारे वे नहीं है, क्योंकि माने आज तक इनका ये वाला सूट देखा ही नहीं था, अदृष्टा देखा ही नहीं था, श्रुत मैंने कभी सुना तक नहीं था, पूर्वत्वाद कभी भी ऐसा सुना नहीं था। अब ब्रह्मा जी ने सोची कि अगर जो ये थोड़ी देर और इन्होंने क्रोध कर दिया, सृष्टि में प्रलय आ ही जाएगा। तब देखा कि किसके कारण ये समस्या है, तुरंत प्रहलाद को भेजा। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंत्र के, ब्रह्मा जी के समीप में खड़े हुए प्रहलाद जी थे, उनको भेजा और जाकर के तात प्रसमयोपे ही स्वपित्रे कुपित प्रभु, और अब जाकर के आपके कारण, पिताजी के कारण भगवान नाराज हो गए हैं, जाओ इनकी रक्षा करो। और जैसे ही उन्होंने कहा तो वे पहुंच गए और जाकर के भगवान से कुछ नहीं कहा, केवल उन्होंने अपने चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करके भगवान ने देखा, और जब देखा छोटा सा बालक चरणों में पड़ा है, उसको तुरंत पकड़ करके हृदय से लगा के और उसके सिर पर हाथ फेरा और सपाद मूले पतितम तमर्भगम विलोक देवा कृपया परिप्लुता, जिनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था, प्रहलाद जी को लेकर के हृदय से लगा करके दया से भर गए भगवान। उत्थाप तत्क्षीण से दधात कराम्बुजम, उठाया सिर पर हाथ फेरा
काला ही विस्तृत ध्याम कटा भयम, काल रूपी सर्प को भी भगा देने वाला और निर्भय को प्रदान कर देने वाला जो हाथ था वो तो प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया। और रखने के बाद प्रहलाद जी पढ़े लिखे तो थे ही, स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी ने स्तुति इतनी लंबी की है, सारी का अर्थ करेंगे तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि एक एक श्लोक, अब जरा सोचो दो दो लाइन के श्लोकों में कितना टाइम लग जाता है, तो इनके चार चार यही दिक्कत है, अब क्या करें। एक बात बड़ी सुंदर कही है, क्योंकि विप्रात दिशट गुणायुत दार अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचन हितार्थ प्राणापनाति सकुलम न तु भूरी मानः। कहने लगे ऐसा एक ब्राह्मण है, कैसा कि 12 तिलक लगाता है, ठीक है, लेकिन 12 तिलक लगाने के द्वादश लिखा है, 12 तिलक लगाता है और 12 तिलक लगा करके भगवान का भजन नहीं करता है। लेकिन एक और व्यक्ति है, कौन वो है, स्वपच। स्वपच का असली अर्थ जानते हो? नहीं। स्व माने होता है कुत्ता और उसको पच माने पका करके राधे राधे कर जाए, वो स्वपच होता है। कोई कुत्ता खाने वाला व्यक्ति कुत्ते को खा करके और बैठ के यदि भजन करता है तो स्वपचात कहाँ गया। पादारविंद विमुखात, उस ब्राह्मण से जो चरण कमलों से दूर है उससे तो मैं स्वपचम वरिष्ठम, उस स्वपच को श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि कुछ भी करके कम से कम आपसे जुड़ता तो है। मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणापनाति सकुलम न तो भूरि माना। और वो कुत्ता खा कर जिस समय भजन करता है अपने प्राणों को पवित्र करता है, माता पिता को पवित्र करता है, नाना नानी को पवित्र करता है, आगे के बालक बच्चों को पवित्र करता है और भजन करके वो सबको पवित्र कर लेता है, लेकिन वो नहीं, न तो भूरी माना, वो जो अपने आप में फूला फूला द्वादश तिलक लगा के घूम रहा है, अगर जो भजन नहीं करता केवल फूला फूला फिर रहा है वो नहीं कर पाता है। तो हम किसे श्रेष्ठ समझें? तो कहते स्वपचम वरिष्ठम, मैं स्वपच को श्रेष्ठ समझता हूँ। कहने का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण की निंदा की गई है, कहने का अर्थ ये है कि यदि श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो भगवान का भजन तो तुम्हें, समझ गए, ये बातें हैं। इसके बाद कहने लगे कहाँ हम रजोगुण तमोगुण से युक्त और जाता सुरेतर कुले का भवानुकंप, और कहाँ मैं सुरेतर सुर माने देवता, इतर माने उनसे अलग, जिसको विलोम अपोजिट कहते हैं, इतर माने अपोजिट, हाँ कहाँ मैं देवताओं से इतर माने राक्षसों में मैं पैदा हुआ हूँ, ना ब्रह्मणों न तू भवत्य न वै रमाया यन्मेर्पित शिरासी पद्माकर प्रसाद। कहने लगे कि देखो आपकी क्या दया होती है, कहाँ मैं राक्षस कुल में उत्पन्न, कहाँ मैं रजोगुण तमोगुण का आश्रित लेने वाला, और आपने वो कृपा की जो कभी भी लक्ष्मी नहीं प्राप्त कर पाई, आपने वो कृपा की जो कभी ब्रह्मा ने नहीं वो कृपा प्राप्त कर पाई, और वो कृपा आपने मेरे ऊपर कर दी कि हमारे सिर पर हाथ, लक्ष्मी जी का सौभाग्य बना होगा कि सिर पर हाथ रखा जाए, नहीं ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी तो केवल हैंडशेक किया है, बस भागवत में आया ब्रह्मा जी मिले तो हैंडशेक किया गया, और फ्लाइंग किस की थी सबसे पहली, तो वो की थी ध्रुव जी ने भगवान को, हाँ दूर से वाह क्या प्रभु क्या बढ़िया लगते हो गरुड़ पर बैठे, तो सबसे पहली फ्लाइंग किस ध्रुव जी ने भगवान को की थी, और सबसे पहला हैंडशेक किया था तो ब्रह्मा जी ने भगवान से किया था, केवल हाथ मिला पाए हैं, वो कृपा आपने कर दी। अच्छा एक बात बताएं, एक उदाहरण रामचरितमानस का, आपने अच्छा सुंदरकांड कौन कौन ने पढ़ा है, अरे तुम्हारी जय हो जाए, किसी ने नहीं, एक के अलावा
ये तो नाराज होके भाग गई पूछने पर, तुमने पढ़ा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी ज्यादा जय हो, तुमने वो भी नहीं। सुंदर कांड में आता है, तुमने रोटी खाई वही खाते रहो। तो कहने का मतलब रावण ने लात मार दी किसके, विभीषण के। आ गए, आए तो कहा कि आप कौन हो, भाई परिचय तो होना चाहिए ना, कहे तुम कौन हो, तो कहे कि अच्छा इस समय उनको क्या बताना चाहिए, आपने सुंदरकांड पढ़ा है, हनुमान जी सबसे पहले किससे बातचीत की है मालूम है, प्रेम से, लड़ाई झगड़ा तो बहुत मिले लंका के अंदर, विभीषण है, लंकनी से भी हुआ लेकिन बहुत मनाते रहे, जब नहीं वो तिरछी तब तो एक दिया धमाक से गिरी भड़बड़ाए के तब ठीक हुई है वो, तो ऐसी नहीं, साधु समझ करके विभीषण से मिले। विभीषण से पूछा कि महाराज हम सीता जी को ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है, रात भर परेशान है, क्योंकि सुनो तुम्हें मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि क्यों, अरे कहीं कंप्यूटराइज सिक्योरिटी लगी है, तुम कैसे ढूंढ पाओगे, क्योंकि फिर हमें पता है कैसे मिलेगी, क्या बगिया में जाना, क्या करना, क्योंकि वहाँ पर जब जाओगे तो एक तुम्हें लकड़ी का हिरन मिलेगा, क्योंकि हाँ फिर क्या करना, उसकी सींग ऐंठ देना, तब तक एक दूसरा एक चूहा जैसा निकलेगा बड़ा सा, कहीं फिर क्योंकि उसकी बाई आँख में उंगली कूंच देना, ऐसे दो चार जुगाड़ बताए, तब तुम जा करके तुम्हें ओरिजिनल दरवाजा मिलेगा, उसके अंदर जब तुम घुसोगे तब आगे वहाँ पर अशोक वाटिका है, वहाँ पर लिखा है आप जुगति विभीषण सतत बताई, बताई कि नहीं। यहाँ पर आपने देखा होगा तो जब राम जी ने पूछा था विभीषण को क्या कहना चाहिए कि अरे मैं वो हूँ कौन, रात भर से परेशान थे तुम्हारे ये, हमने रास्ता बताई थी, हमने पूछा था, और सुनो रावण के राज्यसभा में तो इनको मृत्युदंड का आदेश हो गया था, मैंने वकालत की थी, इनकी जान बचाई थी, करी थी कि नहीं, हाँ नीति विरोध न मारिए दूता, कहा था कि नहीं, नीत के विरुद्ध है दूत को मत मारो, इसे नहीं मार सकते, आन दंड का जो करिए गुसाई, दूसरा कोई डंडा वंडा मार दो, बाकी इसके हत्या मत करो, ठीक है इतना आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये नीत के विरुद्ध है, मैंने इनके डिफेंस में वकालत की थी, बताना चाहिए कि नहीं। अच्छा हम आप होते तो यही कहते कि नहीं, प्लस पॉइंट ज़्यादा बताते कि मिस पॉइंट, जोड़ के और बताते, प्लस पॉइंट बताते, लेकिन जब यहाँ गए तो कहने लगे कि तुम कौन हो, नाथ दशानन कर निश्चर बंस जन्म सुरदाता, उन्होंने कहा सहज सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलो कहे तम पर नेहा, जथा उलो कहे तम पर नेहा, जथा उलो कहे तम पर नेहा। उन्होंने कहा विभीषण जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज, उन्होंने एक भी प्लस पॉइंट नहीं बताया, सब मिस पॉइंट बताया, कि क्या, क्योंकि मैं रावण का भाई हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहे, वही रावण का भाई हूँ जिसने तुम्हारी पत्नी को, भगवान ने कहा कि सुनो आप किसी के भाई हो, हमारे कानून में सजा सिर्फ उसे दी जाती जो अपराधी होता है, उसके परिवार वालों को नहीं, ये नहीं हमारे सिस्टम में है कि अपराधी नहीं मिला तो भैया को पकड़ के धर के लेके चले जाए, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रावण के भाई हो, अपराधी तो नहीं हो, क्योंकि दूसरी बात सुनो, तुम तो खुद तो अच्छे हो,
विभीषण ने कहा कि सुनो तो, जब हमारा जन्म ही ठीक नहीं तो हम अच्छे कहाँ से। निश्चर वंश जन्म, मेरा वंश ही निश्चर, मेरा जन्म ही निश्चर वंश में हुआ है तो हम कहाँ से ठीक होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर जो निश्चर वंश से कोई लेना देना होता तो हम प्रहलाद जी को कभी भी मुक्त नहीं करते। निश्चर वंश में प्रहलाद जी भी थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए थे और परिणाम क्या निकला था। तब उन्होंने बताया कि सुनो, प्रहलाद जी अच्छे रहे होंगे, वे धर्मात्मा रहे होंगे, हमारा तो ये सिस्टम ही अलग है। वे धर्मात्मा थे और मैं, मुझे सहज पाप प्रिय है, पाप करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तामस देहा, क्योंकि शरीर मेरा तमोगुणी है। कि कैसे, कि जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, उल्लू को दिन अच्छा लगता कि रात, रात क्यों, उसे रात में ही दिखता है। तो जैसे उल्लू को रात प्यारी होती है, वैसे ही मुझे पाप करना प्यारा। भगवान ने कहा कि एक बार तो रावण के तुम भैया राक्षस जन्म में उत्पन्न, राक्षस घर में उत्पन्न हुए हो, छोड़ो, अच्छा ये बताओ तो तुम हमारे पास क्यों आ गए, अच्छे कोई काम नहीं, हम तुम्हें बचाने की प्रयास कर रहे और यहाँ वैसे ही तुमसे नाराज बैठे हैं, सुग्रीव वगैरह। क्योंकि अरे वो आया रावण का भाई, कहो तो हम ठोक पीट के ठीक करें। राम जी ने कहा कि नहीं, ठीक नहीं कर सकते हो, क्यों, मेरी शरण में आए हैं, बगैर उनका पक्ष जाने उनको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, शायद वे शरण में आए हों और हम उन्हें ठोक पीट के ठीक करने लग जाए, कहाँ की मानवता है। उन्होंने बचाया था और कहा कि हम तुम्हारे प्लस पॉइंट को बना बना परेशान हो गए, तुम मिस पॉइंट बता बता के नहीं थक रहे हो, तब तुम हमारे पास क्यों आए। विभीषण ने कहा महाराज क्या समझ रहे हो, मैं अपने कर्मों से नहीं आया हूं। तो कि फिर कि श्रवण सुजस सुनि आयो, मैंने सुना है प्रभु, क्या मैंने अपने कानों से सुना है कि प्रभु भंजन भव भीर, आप सबके भय को और भव माने आवागमन को सबको दूर कर देने वाले हो। त्राहि त्राहि आरत हर त्रवण सुखद रघुवीर, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो कहने का मतलब ये है कि भगवान आपकी कृपा कैसे कैसे ऊपर हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा और यहाँ पर प्रहलाद को राजा बनाया गया। राजा बनाने के पश्चात उनको सारा राजपाठ दिया गया। राजपाठ देने के पश्चात उन्होंने अपना राज किया है, अपना परिवार बढ़ाया, भगवान की सदा उन पर दया रही, वरदान भी दिया कि मैं तुम्हारे 3 और 7 परिवारों को मारूंगा। ऊपर के 3 थे, हाँ, क्यों, कश्यप थे और कश्यप के आगे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के आगे नारायण हैं, उनका ज़्यादा बड़ा परिवार ऊपर का था नहीं, नीचे के 7 और कर देंगे, तो उसी के कारण बाणासुर बच गए थे। तो कहने का मतलब वरदान भी दिया है और वरदान देने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रवचन किया गया मानव धर्म क्या है। और इस प्रकार से उन्होंने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई और श्रवण कराने के पश्चात अब हम आपको बोलिए गोविंद भगवान की जय।